तो हेलो दोस्तों, एप्पल ने हाल ही में अपने काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, जिनमें से उन्होंने अभी अपनी एक चिप भी लॉन्च की है जो कि जिसका नाम है M1। लेकिन इतना सब कुछ लॉन्च करने के बाद एप्पल एक मामले में दूसरी कंपनी से पीछे, जिसमें मोटरोला, सैमसंग और वोवे है। तो खम्मागण भाई और बहनों, मेरा नाम श्याम चौहान और आप देख रहे हैं टेक्निकल अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वोवे जैसी कंपनियाँ जिनका मार्केट फिलहाल बहुत डाउन चल रहा है, फिर भी उन्होंने अपना एक फोल्डिंग फ़ोन लॉन्च किया है। जी हाँ दोस्तों, एप्पल ने अभी तक अपना कोई भी फोल्डिंग फ़ोन लॉन्च नहीं किया है, जिसका कारण मेरे हिसाब से ये है कि वो अपना जो फोल्डिंग फ़ोन लॉन्च करने वाला है उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वो आगे इस चीज़ को ले जाना चाहते हैं अदर कंपनियों से। जहाँ सैमसंग और मोटरोला और MI वोवे जैसी कंपनियों ने अपना सेकेंड जनरेशन फोल्डिंग फ़ोन स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, वहीं जो एप्पल है अभी तक वहीं पर अटकी हुई है, जहाँ कि उन्होंने अभी तक अपना एक भी फोल्डिंग स्मार्टफोन लॉन्च नहीं किया है। ऐसा क्यों है? इसका कारण ये है कि एप्पल कोई भी काम करती है तो उसे पूरी शिद्दत से और पूरी ज़्यादा पूरी मेहनत लगाकर हर तरीके से उसे बेस्ट बनाने की कोशिश करती है। वहीं एप्पल से कुछ लीक्स निकल के हैं, कुछ पेटेंट निकल के हैं, जिससे ये पता चलता है कि एप्पल आने वाले कुछ दिनों में, यानी कि दिसंबर के एंड तक या फिर अगले साल तक, हमें फोल्डिंग आईफोन ज़रूर देगा, लॉन्च करेगा। तो देखते हैं वो कब होता है। फोल्डिंग आईफोन लॉन्च करने के बाद, एप्पल ने अपना जो फोल्डिंग आईफोन है उसके लॉन्च करने के बाद वो बोलते हैं कि जो उनका आईपैड मिनी है वो उसे बंद कर देंगे। अब काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये थोड़ा सा अजीब लगेगा या समझ नहीं आएगा, तो इसका कारण मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका कारण ये है कि जब फोल्डिंग स्मार्टफोन यानी कि एप्पल आईफोन फोल्डिंग जब आएगा, तब आईपैड मिनी की कोई ज़रूरत रहेगी ही नहीं हमें। इसका कारण ये है कि जब भी हम कोई स्मार्टफोन लेते हैं तो उसमें यही देखते हैं कि हमारी ज़रूरत की चीज़ें क्या हैं, या फिर जब भी कोई हम लैपटॉप या फिर आईपैड जब लेते हैं तो उसमें देखते हैं कि हम हमारे जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो क्या है। अब आईपैड ऐसी चीज़ है जो लैपटॉप में भी, मतलब हम इसे लैपटॉप टाइप में भी यूज़ ले सकते हैं और एक आईपैड की तरह भी यूज़ ले सकते हैं। तो आईपैड को बंद करने का रीज़न यह है कि जब फोल्डिंग आईफोन आ जाएगा तो वह एक स्मार्टफोन के साथ साथ उसकी स्क्रीन जब हम फोल्ड करके उसे बड़ा करेंगे तो वह एक टेबलेट का रूप भी ले सकता है, जिसकी वजह से आईपैड मिनी की कोई ज़रूरत रहेगी नहीं। अब कोई भी इंसान ऐसी चीज़ पे पैसा वेस्ट कभी नहीं करेगा जो उसे ज़्यादा पैसे में कम फीचर दे रही हो। अब अगर वो आईफोन फोल्डिंग फ़ोन लेगा, आईफोन मतलब जो फोल्डिंग फ़ोन आएगा, आईफोन फोल्डिंग अगर वो उसे लेगा तो वो उसे फोल्ड कर एक तरीका से मोबाइल की तरह भी यूज़ ले सकता है और फोल्डिंग करके उसे आईपैड भी बना सकता है। वहीं सिर्फ हम अगर आईपैड लेते हैं तो उसे बड़ा छोटा हम नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से हम उसे फोल्ड नहीं कर सकते, तो आईपैड मिनी की जो ज़रूरत है वो पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगी। अब कोई भी इंसान ऐसे प्रोडक्ट में पैसा नहीं लगाना चाहेगा। वो अगर किसी के भी सामने, अगर मेरे भी सामने कोई ये रखे कि आपको आईफोन फोल्डिंग लेना है या फिर मिनी आईपैड मिनी लेना है, तो मैं ऑब्वियसली मैं आईफोन फोल्डिंग आईफोन की तरफ जाऊँगा, क्योंकि मुझे उसमें फ़ीचर्स दिख रहे हैं और जो आईपैड में जो फीचर आते हैं वो भी मुझे उसमें देखने के लिए मिल रहे हैं। बड़ी स्क्रीन है, अच्छा कैमरा है, हालांकि उससे अच्छा ही कैमरा मिलेगा, तो मैं ऑब्वियसली जो फोल्डिंग आईफोन है उसमें पैसा लगाऊंगा, ना कि आईपैड मिनी में। तो यही कारण है कि एप्पल ने अपना जो फोल्डिंग आईफोन है लॉन्च करने के बाद ये घोषणा की है, कुछ लीक निकल कर आए हैं सामने, कि वो उसके बाद अपना जो आईपैड मिनी है उसे बनाना बंद कर देंगे। तो बस दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ में लगी बेल का आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। तब तक के लिए राम राम भाई।